नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 7 अप्रैल। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप बिहार से जुड़ी जानकारियों से अपडेटेड होना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको ज्ञान बिहार की सेगमेंट में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार में अब 30 दिनों के अंदर बन जाएगा राशन कार्ड। इस समय तक मिलेगा बिहार के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर। भारत में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। डीजल ऑटो की परमिट मार्च 2023 तक बढ़ाने की मांग। जमीन खरीदने के मामले में इस जिले के लोग आगे। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस समय तक मिलेगा बिहार के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर। बिहार के छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन में छूटे अभ्यर्थियों को अब जल्द ही स्पेशल राउंड के तहत तीसरे चक्र की काउंसलिंग में अंतिम रूप से चयनित 972 अभ्यर्थियों को 15 अप्रैल तक नियुक्ति पत्र बांटे जाने का आसार है। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने इसको लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है, जिसके बाद ही अब जल्द ही सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर आगे की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का काम किया जाना है। ज्ञात हो योजना के अनुसार तृतीय चक्र में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच 9 अप्रैल 7 अप्रैल को स्थानीय प्राधिकार चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता भी अप्रभावी हो जाएगी, इसलिए नियुक्ति पत्र 9 से 15 अप्रैल के बीच बांटने की योजना है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की। फणीश्वर नाथ रेणु एक हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनके पहले उपन्यास मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली थी, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। उस समय ये पूर्णिया जिले में था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। रेणु जी का बिहार के कटिहार से गहरा संबंध रहा है। पहली शादी कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड अंतर्गत बलुआ ग्राम में काशीनाथ विश्वास की पुत्री रेखा रेणु से हुई। हसनगंज के ही गांव महमदिया ग्राम में पद्मा रेणु की मायके है और रेणु जी की 2 पुत्री सबसे बड़ी कविता रॉय और सबसे छोटी वहीदा रॉय की शादी महमदिया और कवैया गांव में हुई है। बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। केंद्रीय चयन परिषद ने मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी csbc.bih.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये भर्ती परीक्षा 27 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी। मद्य निषेध सिपाही के 365 पदों के लिए 2,77,288 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया गया है। परीक्षा के लिए राज्य के 38 जिलों में 741 केंद्र बनाए गए थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस लिखित परीक्षा में कुल 2,34,643 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। बोर्ड की तरफ से शारीरिक दक्षता परीक्षा 26 अप्रैल 2022 को आयोजित किए जाने की संभावना है। बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए पहली बार सीटें नहीं हो रही फुल। बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए पहली बार सीट फुल ही नहीं हो रही है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार के मेडिकल कॉलेज में 85% सीटों पर सेकेंड राउंड के बाद भी 79 सीटें खाली रह गई। इन खाली पड़ी एमबीबीएस सीटों पर 5 अप्रैल से मॉपअप राउंड के तहत एडमिशन हो रहा है। इसके लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने हाल ही में रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट भी जारी की है। मिली जानकारी के अनुसार अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसिलिंग 2021 से संबंधित सभी स्टूडेंट्स को मॉपअप राउंड में उपस्थित होकर अपना एडमिशन सुनिश्चित करना होगा, यानी कि राज्य के 85% में एमबीबीएस और बीडीएस मिलाकर 1,151 सीटों पर एडमिशन होना है। दक्षिण बिहार में जारी हुआ येलो अलर्ट। बिहार में मौसम की अलग ही अटखेलियां देखने को मिल रही है। आलम कुछ यूं है कि जहां एक तरफ वर्तमान समय में कई जिले भीषण लू की चपेट में हैं, तो कई जिलों में बारिश का माहौल है। हालांकि इन सब के बीच बिहार के दक्षिण इलाके में येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि बिहार के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। खासकर बिहार के दक्षिण बिहार के शहरों में तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया है। कुछ जगहों पर पारा 43 डिग्री तक जा चुका है, जिसके बाद ही मौसम विभाग ने भी दक्षिण बिहार में अगले 24 घंटे में लू चलने की बात कही है। साथ ही यहाँ येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश की राजधानी समेत बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका में लू का प्रभाव अधिक होगा। आज आएंगे बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर परिणाम। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर हाल ही में हुए मतदान का परिणाम आज आने वाला है। स्थानीय प्राधिकार विधान परिषद चुनाव सोमवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। वहीं वोटों की गिनती 7 अप्रैल यानी कि गुरुवार को आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, जिसके बाद अब सभी 24 सीटों में मतपेटी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। इसको लेकर मतगणना स्थल की बैरिकेडिंग भी बीते दिन ही कर दी गई है।
प्रवेश द्वार और मतगणना केंद्र परिसर में दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई। इसको लेकर 24 जिलों में मतगणना केंद्र भी बनाए गए हैं। मतगणना केंद्र पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर, रोहतास, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, बेगूसराय, सहरसा, भागलपुर, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार में बनाए गए हैं। राष्ट्रीय कैरियर सेवा ने निकाली रिक्तियां। राष्ट्रीय कैरियर सेवा ने युवा पेशेवर के कुल मिलाकर 112 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 12 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ncs.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। प्रसव केंद्रों पर होगी अब नवजातों की व्यापक जांच। बिहार में अब जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी हो रही है। इसके तहत ही अब बिहार में प्रसव केंद्रों पर नवजात शिशुओं की व्यापक जांच की तैयारी तेज है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद ही दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि नवजात शिशुओं के मामले में बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने काफी अहम फैसला लिया है। अब सरकारी अस्पतालों के प्रसव केंद्रों पर ही नवजात शिशुओं की व्यापक स्वास्थ्य जांच होगी। प्रसव केंद्रों पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इससे नवजात शिशुओं को सही समय पर जरूरत की उचित चिकित्सा उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि बिहार में बीमारियों को पकड़ने के लिए प्रसव केंद्र पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों को समय समय पर ट्रेनिंग देकर उन्हें एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। सीएम नीतीश की महत्वाकांक्षी योजना की निगरानी अब होगी मोबाइल से। नल जल योजना सीएम नीतीश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसी योजना की कार्रवाई तुरंत ही करने की योजना पर अब काम हो रहा है। उम्मीद है कि बिहार सरकार को इसमें सफलता भी मिलेगी, क्योंकि इसकी निगरानी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन में किसी तरीके की गड़बड़ी पाए जाने पर ऐप के माध्यम से ही कार्यों की तुरंत जांच की जाएगी, साथ ही दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। ज्ञात हो कि जिले में 2000 से अधिक इसकी योजनाएं हैं, जहां पर हर जगह कुछ न कुछ गड़बड़ी की शिकायत मिलती रहती है। इसके शुरू होने से आमजनों की शिकायत तुरंत दूर होगी। मोबाइल फोन के माध्यम से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी किया जा सकता है। पटना में डीजल ऑटो की परमिट मार्च 2023 तक बढ़ाने की मांग। बिहार की राजधानी पटना में 1 अप्रैल से डीजल ऑटो का परिचालन परिवहन विभाग ने बंद कर सीएनजी ऑटो चलाने का आदेश दिया। इस फैसले के विरोध में ऑटो चालक संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले ऑटो चालकों की तरफ से 2 दिवसीय हड़ताल बुधवार से शुरू हुई। पटना जंक्शन ऑटो स्टैंड पर ऑटो चालकों की तरफ से फैसले के विरोध में धरना भी दिया जा रहा है। संघर्ष समिति मार्च 2023 तक पटना में डीजल ऑटो के लिए परमिट सहित 5 सूत्री मांगों पर अड़े हुए हैं। ऑटो चालक संयुक्त संघर्ष समिति के धरने में ऑटो चालक 7 अप्रैल से मांगे पूरी नहीं होने पर 8 अप्रैल को सीएम आवास का घेराव की तैयारी में है। किशनगंज के खगरा मेला में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी में मनाए जाने वाले इस मेले की शुरुआत 1950 में स्थानीय निवासी सैयद अट्टा हुसैन ने की थी। पहले ये कृषि मेले के रूप में शुरू हुआ, बाद में ये खगरा मेले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहले इस मेले की तुलना दुनिया में प्रसिद्ध सोनपुर मेले से की जाती थी। मेले के समय हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने यहां आते हैं। बिहार में अब 30 दिनों के अंदर बन जाएगा राशन कार्ड। बिहार में राशन कार्ड बनवाने का काम महज 30 दिनों में पूरा होने वाला है। इसको बनाने का काम अब शुरू हो गया है। इसको लेकर अब ऑनलाइन आवेदन लेने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत ही अब सरकार ने 30 दिनों में कार्ड बनवाने की व्यवस्था शुरू की है। इसको लेकर खाद्य उपभोक्ता विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी, जिसके बाद ही अब राज्य में मार्च 2020 से फरवरी 2022 तक 46.60 लाख नए राशन कार्ड बनवाने का काम हुआ है। सर्वाधिक राशन कार्ड अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक बनाए गए थे। ये कोरोना का ही दौर था, जब दूसरे प्रांतों से लोग अपने घर बिहार वापस आए थे। इस तरह ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभान्वित होने वाले कुल वास्तविक परिवारों की संख्या 1.82 करोड़ से अधिक हो गई। लाभान्वित लोगों की संख्या 8.84 करोड़ है। विशेष तथ्य ये है कि इसमें से 7.15 करोड़ लोगों के आधार कार्ड का संग्रह हो चुका है। बदलेगी बिहार में 11 खेलों और खिलाड़ियों की तस्वीर। बिहार में खेल को बढ़ावा देने में अब बिहार सरकार लग गई है। यही कारण भी है कि बिहार सरकार के लोक उपक्रम अब खेलों को बढ़ावा देने का काम करने वाले हैं। इसको लेकर ही बिहार के 11 लोक उपक्रमों का एक एक उच्च प्राथमिकता वाले खेलों का आवंटन होने वाला है। ये उपक्रम अब खिलाड़ियों से लेकर खेल उपकरण खरीदने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के शामिल होने में बतौर प्रायोजक सहयोग करेंगे। पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बाबत निर्णय लिया गया है। साथ ही छात्र और युवा कल्याण निदेशक द्वारा प्रमाणिकता वाले एकल खेल एथलेटिक्स, निशानेबाजी, बैडमिंटन, भारोत्तोलन, शतरंज और साइकिलिंग और टीम खेल फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और कबड्डी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
जमीन खरीदने के मामले में इस जिले के लोग आगे। बिहार में जमीन खरीद के मामलों में कई जिलों के नाम सामने आए हैं, जिसके तहत ही मार्च में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में जमीन फ्लैट और अन्य दस्तावेजों के निबंधन से राज्य सरकार को रिकॉर्ड राजस्व भी प्राप्त हुआ। निबंधन विभाग ने इसको लेकर 5000 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध रिकॉर्ड 5215 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया। ये निबंधन से अब तक का सर्वाधिक राजस्व है। इसमें शेखपुरा ने सर्वाधिक 162%, जमुई ने 116% और खगड़िया ने 113% लक्ष्य हासिल किया। वहीं अगर राशि के हिसाब से देखें तो पटना जिला सबसे आगे रहा। पटना ने 988 करोड़ रुपए के लक्ष्य के विरुद्ध 1051 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व दिया। बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बढ़ी मुश्किलें। मोकामा के बाहुबली विधायक वैसे ही इन दिनों जेल की हवा खा रहे हैं। इस बीच अब अनंत सिंह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब उन पर जेल मैनुअल का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पटना के बेउर जेल में बंद अनंत सिंह के बैरक में हुई छापेमारी के दौरान उनके बैग से मोबाइल सहित कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुई है। बीते दिन ही अहले सुबह बेउर जेल में पटना डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में छापेमारी हुई। इस दौरान अनंत सिंह के पास से मोबाइल बरामद हुआ। सूत्रों के अनुसार अनंत सिंह यहां 2 के बदले 9 सेवादार रखने का भी खुलासा हुआ है। छापेमारी के बाद वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया, वहीं जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शहीद को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। बिहार के लाल जम्मू कश्मीर में जान जाने के बाद मंगलवार शाम को ही उनका पार्थिव शरीर पटना आ गया था, जिसके बाद ही बीते दिन पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इसको लेकर बीती सुबह ही वीरगति को प्राप्त हुए खड़गपुर के नाके निवासी सीआरपीएफ जवान विशाल कुमार उर्फ धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर सुल्तानगंज गंगा घाट लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान शहीद विशाल कुमार अमर रहे के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। वहीं प्रशासनिक पदाधिकारियों ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। शहीद जवान को उनकी छोटी बेटी ने मुखाग्नि दी। मुंगेर और भागलपुर के प्रशासनिक अधिकारियों ने सुल्तानगंज गंगा घाट पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर भी देते हुए उन्हें सलामी दी। शराबबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। यह सुनवाई कोर्ट में 20 अप्रैल को होगी। राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बाबत बताया है कि सरकार ने शराब कानून में 1 अप्रैल को व्यापक संशोधन किया है। इससे पहले 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट से इस तरह की याचिकाओं के रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के आदेश भी दिए थे, लेकिन ये रिकॉर्ड सर्वोच्च अदालत नहीं पहुंचे थे। इस बाबत कोर्ट के आदेश या रिकॉर्ड शेष वाहक से मंगवाए जाए। सीएम नीतीश पर हुए हमले की आई जांच रिपोर्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरी सभा में एक युवक ने हमला किया था। हालांकि इस युवक की मानसिक स्थिति खराब बताकर उसके खिलाफ कार्रवाई से तो सीएम ने इनकार कर दिया था, लेकिन सीएम नीतीश की सुरक्षा में हुई चूक सवालों के घेरे में है, जिसके बाद ही सुरक्षा व्यवस्था में हुई सेंधमारी पर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर अब बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुए हमले की जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को मिल गई है। अब समेकित रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी जाएगी। घटना के बाद गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने अपने अपने स्तर से इस मामले की जांच कराने का काम किया है। गृह विभाग के सचिव सेंथिल कुमार और विशेष शाखा के आईजी बच्चू सिंह मीना ने खुद मौके पर जाकर मामले की जांच की। अब समेकित रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट के बाद लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होनी तय है। भाजपा के स्थापना दिवस पर राजद ने दागे सवाल। बीते दिन भाजपा ने अपना स्थापना दिवस मनाया, जिसको लेकर बीते दिन भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में तो खुशी थी, तो वहीं राजद की तरफ से सवालों की बौछार की गई, जिसके तहत ही राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि स्थापना दिवस मना रहे लोग ये बताएं कि भाजपा की सरकार ने आम जनता के लिए क्या किया है। आम लोग इनके राज में महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। भाजपा का स्थापना दिवस और भाजपा के सारे नेता कह रहे हैं कि देश और राज्य का विकास हुआ, लेकिन जिस तरह से आम जनता महंगाई से परेशान है, युवा बेरोजगार है, निश्चित तौर पर इन सबको देखते हुए लगता है कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, धीरे धीरे और समस्याओं का अंबार बढ़ता ही जा रहा है। नहीं बची रामविलास पासवान की आखिरी निशानी। चिराग पासवान से उनके पिता रामविलास पासवान के नाम पर दिल्ली में जारी बंगले को खाली कराने के बाद से बिहार की सियासत में बवाल शुरू हो गया। इस बीच बीते दिन दिल्ली के 12 जनपद से तस्वीर आई है कि उसमें वहां चिराग पासवान की तरफ से स्थापित करवाई गई रामविलास पासवान की प्रतिमा को हटा दिया गया है। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही चिराग पासवान ने 12 जनपद को अपने पिता के नाम पर स्मारक भवन के तौर पर विकसित करने की मांग की थी। चिराग ने इसी दौरान 12 जनपद में रामविलास पासवान की एक प्रतिमा स्थापित करा दी। उस समय प्रतिमा स्थापित को लेकर भी काफी बवाल हुआ था। हालांकि केंद्र सरकार ने चिराग को बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया। वहीं चिराग का कहना था कि उनके पिता 1989 में से ही इस बंगले में थे। भारत में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। कोरोना की तीसरी लहर अभी शांत भी नहीं हुई कि चौथी लहर की आहट अब सुनाई देने लगी है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी का पहला मामला मुंबई में मिला है।
ये जानकारी मुंबई महानगर पालिका ने दी है। मुंबई महानगर पालिका के मुताबिक कोविड वायरस जेनेटिक फॉर्मूला निर्धारण के तहत 11वें टेस्ट में 230 सैंपल में 228 ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। एक केस दुनिया भर में तेजी से फैल रहे हैं एक्सी वेरिएंट का और दूसरा केस कप्पा वेरिएंट का मिला है, जिसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग भी अब जांच बढ़ाने वाला है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। विश्व स्वास्थ्य दिवस को 1998 में महिला चिकित्सा दिवस के रूप में मनाने का विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की। भारत में दिल्ली पुलिस ने सन 2000 में आज ही के दिन करोड़ों रुपए के क्रिकेट मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के रैकेट का पर्दाफाश किया था। पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात उर्दू कवि कश्मीरी लाल जाकिर का 1919 में जन्म हुआ। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का 1920 में जन्म हुआ। 2011 में प्रसिद्ध कवि जानकी वल्लभ शास्त्री का निधन हुआ। आज ही के दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस और महिला चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगातार दो हार के बाद सनराइजर हैदराबाद के कोच ने खिलाड़ियों की लगाई क्लास। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन में सनराइजर हैदराबाद की टीम ने अभी तक जीत का अपना खाता भी नहीं खोला। टीम ने दो मुकाबले खेले और दोनों में उसे हार झेलनी पड़ी। हैदराबाद को अपने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार झेलनी पड़ी, जबकि दूसरे मुकाबले में टीम को लखनऊ ने हरा दिया। इस सीजन में लगातार दो हार के बाद हैदराबाद के मुख्य कोच टॉम मूडी ने टीम के खिलाड़ियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोच ने खिलाड़ियों के साथ उनके प्रदर्शन को लेकर चर्चा भी की और क्लास भी लगाई। कूल आ रहा है बड़े काम का फीचर। अगर आप माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू यूज करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। ब्लूमबर्ग की ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया ऐप कू एक ऐसा फीचर लेकर आ रही है जो यूजर को प्रतिद्वंदी ट्विटर की तुलना में अपने प्रोफाइल को सेल्फ वेरीफाई करने की अनुमति देगा। जहां यूजर को ट्विटर वेरीफाइड होने के लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर एक वेरीफाइड प्रोफाइल यूजर को विश्वसनीयता देता है, क्योंकि इसका मतलब है कि सर्विस ने व्यक्ति की प्रमाणिकता की पुष्टि की है। शिक्षकों ने शुरू की नियोजन की मांग। बिहार के सभी शिक्षकों ने एक बार फिर से नियोजन की मांग शुरू कर दी है। राज्य सरकार की तरफ से कभी चुनाव तो कभी किसी अन्य कारण से शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया रोक दी जाती है। शिक्षक नियोजन की आस देख रहे उम्मीदवारों ने सातवें चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि बिहार विधान परिषद चुनाव के कारण सातवें चरण का शिक्षक नियोजन रोक दिया गया, लेकिन अब चुनाव समाप्त है, सरकार जल्द से जल्द शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू करे। वहीं बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन संघ अध्यक्ष विनीता ने बताया है कि शिक्षा विभाग हर रोज नए बहाने बना रहा है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जो यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रंजीत मेहता, दिव्यांशु कुमारी, गौतम कुमार, वाल्मीकि यादव, रंजीत मिश्रा, चंदन गुप्ता, फैजान खान, अमित कुमार, चंदन जायसवाल, अभिनव प्रकाश, रजत शर्मा। आप इस तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में शिक्षक नियोजन के काम से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।